जानकारी दूं कि थोड़ी बहुत चोट आई है और परेशानी की कोई बात नहीं है। फर्स्ट एड के लिए एक बार फिर सौरभ जाते हुए, और चूंकि वहाँ पर अब हमारे निर्णायक कुछ निर्णय लिए हैं और जैसे हमें पता चलेगा तो, और जो भी खिलाड़ी हैं फरका के उन्हें मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि आप खेल की भावना को बनाए रखें, और वैसे आप अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं हमारे निर्णायक से, लेकिन हमारे जो वहाँ पर एक पदाधिकारी भी हैं उन्हें समझा रहे हैं, स्वयंकर हैं, गोल जज हैं, इसलिए जो निर्णय वहाँ पर लेंगे, अगर निर्णायक को लगेगा कि हमें सही निर्णय लेने में गोल पोल जज की आवश्यकता है तो उनका सजेशन लेंगे। सुनाम सुजी, चूंकि बहुत करीबी मामला था वहाँ पर, तो निश्चित रूप से हमारे पोल जज भी देखे होंगे, और खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप हमारे निर्णायक को उस प्रकार से आप अपोज नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, फरका के खिलाड़ी और रोबिटी खिलाड़ी दोनों से मेरा निवेदन होगा कि आप हमारे निर्णायक को इस प्रकार से आप दबाव में नहीं डाल सकते हैं। हमारे निर्णायक स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, खुद सक्षम हैं, जो भी उन्हें उचित लगा है उनको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और छोटे छोटे दर्शक विभाग से आप देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साहित हैं, और प्रत्येक खेल में इसके उत्साह को हम सलाम करते हैं, और जब कभी भी खेल रुका हुआ है और वहाँ पर लड़का क्या कर रहा है सुशील भाई, यही कर रहा है वहाँ पर, क्या कर रहा है मीडिया पर नहीं बोलो, गलत बात वहाँ पर, और वहाँ पर अब थोड़ी सी चोट आई है, और ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि दर्शक पूरी तरह से यहाँ पर उत्साहित हैं, और आप इस सेमीफाइनल मैच का, द्वितीय सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं प्लेयर जीएस मोस्ट पर, और अभी भी वहाँ पर थोड़ी सी चोट आई है, और डब्ल्यूडी के जो खिलाड़ी हैं अगर निर्णायक को लगे कि खेलने में असमर्थ हैं तो इसके बदले में यहाँ पर विभाग से खिलाड़ी को चेंज कर सकते हैं, और वही वहाँ पर किया जा रहा है, और अब खेल प्रारंभ होने की स्थिति में है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे जो भी यहाँ के सक्रिय सदस्य हैं विभाग से, कि उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, और थोड़ी सी वहाँ पर खेल की भावना को, निर्णायक महोदय वहाँ खेल को प्रारंभ करेंगे, और दर्शक काफ़ी यहाँ पर उत्साहित हैं, और मैं चाहूँगा कि बार बार हमारे कुछ दर्शक हैं जो कि अंदर में प्रवेश करते हैं, जिससे कि थोड़ी सी परेशानी होती है, और हम तो चाहेंगे कि खिलाड़ी और को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हमारे निर्णायक से बात नहीं करें। विवाह से सही बात, ये खेल नियम है जी, खिलाड़ी को छोड़कर कोई भी अन्य आदमी कोई संपर्क नहीं कर सकता निर्णायक से, कोई दबाव नहीं, वो स्वतंत्र हैं, स्वयं समझदार हैं, बखूबी जानते हैं क्या निर्णय सही क्या गलत है, और वहाँ पर शायद फॉल लिया गया है बहुत नज़दीकी मामला। जी हाँ, बहुत अच्छा निर्णय है वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ पर और 5 नंबर की जो जर्सी में फरका के खिलाड़ी हैं, बबलू कप्तान है वहाँ पर, शायद कप्तान को कुछ वहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कप्तान को इस बात को समझना होगा कि यह खेल फीफा के अंतर्गत हो रहा है, और आप अतिरिक्त होता है विभाग से कि खेल में चाहे कोई भी खेल हो, खिलाड़ी चाहते हैं कि अगर क्रिकेट का खेल हो तो एम्पायर के ऊपर दबाव बनाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो नामी खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी इस तरह का हरकत होता है जो कि खेल की भावना के विपरीत है, खेल पहुंचाती है दर्शकों को भी और खेल भावना को भी। और यहाँ पर फ्री किक लेते हुए वहाँ पर रबिडी के खिलाड़ी, और रबिडी को मिलने वाला एक खूबसूरत मौका है, लेकिन जो भी हो फरका के जो गोलकीपर हैं चंदन हैं, तो यहाँ फरका के विरुद्ध वहाँ पर फॉल लिया गया है, 4 नंबर की जर्सी में है रबिडी के खिलाड़ी अंकित हैं वहाँ पर, और समझ लीजिए कि ये पेनाल्टी, और गेंद को खूबसूरती के साथ गेंद ठीक गोल बॉक्स के अंदर में जा रही थी, तारीफ करनी होगी फरका टीम के गोलकीपर चंदन की, जिस सूझबूझ के साथ एक